और यहाँ आपको अहम खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से तवील मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा फ्रांस मुकम्मल करने के बाद बरतानिया पहुंच गए हैं, जहां नए आलमी मालियाती माहदे के सरबराही इजलास में शिरकत की है और कई आलमी रहनुमाओं के से मुलाकातें भी की हैं। ये मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है और वो ठीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद ये भी कहा कि नवाज शरीफ का इतवार की सुबह लंदन से दुबई पहुँचने का इम्कान है। वो 3 से 4 दिन जो है वहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद वो हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि 3 से 4 दिन दुबई में रुकने के बाद जो साबिक वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ, वो हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही।